देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग एनडीए एसएसआर ने भी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड के लिए बाइनोमियल थ्योरम का इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं और इस बेस पर क्वेश्चन बहुत हर एक साल पूछते हैं। तो यदि आप एयरफोर्स ने भी एनडीए सीडीएस या वाई ग्रुप के अलावा यदि आप कोस्ट गार्ड का भी तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक्स ग्रुप का मैथ और नेवी डबल ए और एसएसआर और कोस्ट गार्ड और एनडीए के मैथ में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन ये है, बनाइए इसे, क्या आपकी अप्रोच रहती है और क्या आपका आंसर आता है, इसके बाद आपको कंसेप्ट समझाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड टू द पावर n आर 45, फाइंड n। यदि इस प्रकार x माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड के पावर n में पदों की संख्या 45 हो तो n की मान बताएं। देखिए बच्चों, इसका कंसेप्ट क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया है, अगर दो पद देता है, दो पद का मतलब जैसे x प्लस वाई देता और इसके पावर n देता कुछ भी, तो पदों की संख्या होता है n प्लस वन, एक ज्यादा, क्योंकि जीरो वाला होता है। विस्तार से जब पढ़ते हैं तब, अभी प्रीवियस क्वेश्चन बना रहे, जब कंसेप्ट पढ़ना होगा तो चैनल के सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में कंसेप्ट भरा हुआ है और ट्रिक जा करके वहां पढ़ सकते हैं। अभी क्वेश्चन, तो एक ज्यादा होता है, जिसे कोई भी पद दे दिया x प्लस जेड चाहे x माइनस जेड पावर 20, पूछेगा कितने पद की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म, तो एक ज्यादा करते हैं 20 प्लस एक, आंसर दे देते हैं 21। ठीक, ये होता है। लेकिन बच्चों जब तीन पद दे करके आप पदों की संख्या पूछे तो ये लॉ फेल हो जाता है। जैसे यदि दे दे x प्लस वाई माइनस जेड या प्लस जेड, कहीं भी माइनस प्लस से मतलब नहीं, माइनस या प्लस हो और तीनों अलग अलग वेरिएबल हो, जुट न सके, यहाँ n दिया है, तो नंबर ऑफ टर्म जो होता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म, पदों की जो संख्या होती है, पदों की जो संख्या होती है उसका फॉर्मूला होता है n प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई टू, ये होता है बच्चों पदों की संख्या का फॉर्मूला। तो आइए इसी फॉर्मूला पर, ये क्वेश्चन है और इसमें पदों की संख्या दे रखा है n का मान पूछता है बच्चों, तो कैसे बनाएंगे। देखिए पदों की संख्या 45 दिया है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि पदों की संख्या 45 बराबर होता है n प्लस वन इंटू एन प्लस टू बटा में टू, दो तो दो इधर आएगा, तो 45 दूना 90 होगा। और यहां देखिए लॉजिक, गुणनखंड नहीं निकालना है, n प्लस वन एन प्लस टू, इसमें कितने का अंतर है, ये दोनों में कितने का अंतर है, अरे n प्लस वन है आई एन प्लस टू है, तो एक ही का ना अंतर है, अंतर एक ज्यादा है, ये एक एक का, तो इसको एक के अंतर पर छोड़ेंगे, छोटा ये है अब बड़ा ये है, तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 10, 90 को बराबर n प्लस वन गुणे है n प्लस टू, या आप गुणखंड भी निकाल सकते हैं, गुणा करके उधर ले जाकर फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, ऐसे टाइम बचेगा। तो छोटा ये है छोटा ये, तो छोटा बराबर छोटा, n प्लस वन बराबर 9, तो n बराबर 8 आ गया, या बड़ा बराबर बड़ा, ये बड़ा है, अरे इधर में बड़ा ये है, एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर है, तो n प्लस टू बराबर 10 लिखेंगे तो n बराबर 8 आ जाएगा, तो n का मान 8 आएगा, किसी भी एक से ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर होगा बी, ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बनाइए, इसके बाद बना पाते हैं, एक मिनट टाइम देते हैं कि पहले बनाइए, क्या आपकी तैयारी परफेक्ट है। पहला अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बनाइए। अगला क्वेश्चन बनाया जाए,
देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मध्य पद का कॉफिशियंट, द कॉफिशियंट ऑफ मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर 10। मध्य पद का गुणांक बताएं प्रसार 1 प्लस एक्स के पावर 10 में। मध्य पद, मध्य पद मिडिल टर्म का कॉफिशियंट बताना है। कॉफिशियंट का मतलब सिर्फ एक्स छोड़ करके, कॉफिशियंट का मतलब होता है बच्चों एक्स छोड़ करके, एक्स छोड़ करके। तो देखिए दिया है मध्य पद कह रहा है 1 प्लस एक्स के पावर 10 दिया है, और मध्य पद का गुणांक पूछ रहा है। मध्य पद जो बीच में पड़े उसका कॉफिशियंट कितना होगा, जो पद मिडिल में पड़े उसका कॉफिशियंट कितना होता है। तो क्या करेंगे, देखिए जब पावर इवेन हो, जिसे 2, 4, 10 इवेन होता है, तो टर्म तो 11 हो गया, अभी बताए तो 11 के बीच में कौन आता है बच्चों 6, तो वो 6 कैसे आता है, जितना यहाँ रहता है ना उसको हाफ कर देते हैं और एक जोड़ देते हैं, या ट्रिक से बनाएंगे तो जो हाफ रहता है ना बच्चों, जो इसका हाफ करेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 सी और सम रहेगा तो इसका आधा नीचे लिख देना, हमेशा मध्य पद कहेगा तो। यहाँ जब सम रहे विषम रहे तो अलग नियम है, ठीक, यहाँ जब सम रहे तो आधा करना है और नीचे लिख देना है, और ये दोनों घटा करके यहाँ जो अंक है उसके लिखना है, तो एक है तो एक के पावर छोड़ देंगे, एक के पावर एक होता है, ये नीचे वाला जो होता है बच्चों, नीचे वाला जो होता है इसके पावर जाता है, तो इसके आगे भी एक है तो एक के पावर, यहाँ अगर 2 रहता तो 2 के पावर लिखते, यहाँ 3 रहता तो लिखते, एक है छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। इसको तोड़ते कैसे हैं, तो इसको लिखेंगे बच्चों, इसको लिखते हैं जैसे 5 बार, तो फैक्टोरियल 10, या ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 और बटा में ये दोनों घटा करके एनसीआर का फॉर्मूला, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बटा में फैक्टोरियल 5 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और 2 है सेम, तो फैक्टोरियल 5 का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बनाइए, अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन दिया है अगला क्वेश्चन आपके सामने है अगला क्वेश्चन बताते हैं अगला क्वेश्चन दिया है देखिए 5 into 8 है, इंटू है, ऐसे करके डॉट डॉट 1/3n-1 × 3n+1 दिया है, और ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं विद इन टाइम, देखिए बच्चों जो सीरीज दिया है, तो पहला एक पद लेते हैं, तो n बराबर 1 हो जाएगा, एक पद लेते हैं तो हमारा कितना है 2 × 5 है, माने 1/10 है, ये इंटू का चिन्ह है गुणा का, तो 10 हो गया, एक पद लिए माने n = 1, तो n = 1 एक पद लिए तो 1, दो पद लेते तो 2 ले लेते, तो एक n का मान किस ऑप्शन में रखने पर 1/10 आता है, वही आंसर हो जाएगा। तो एक रखने पर पहला में रखेंगे तो n = 6n-4, तो इसमें n = 1 रखेंगे तो 1/1 रखेंगे तो 2 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में रखते हैं n = 6n+3 है, तो 1 रखेंगे बच्चों तो 1/7 हो जाएगा,
ये भी नहीं होगा, एक बटा दस आ रहा है। तीसरा में रखते हैं तो एक रखेंगे तीसरा में, एन की जगह नीचे है छ एन प्लस चार, तो छ प्लस चार एक बटा दस, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस अप्रोच से बनाने पर सिलेक्शन होता है। अगर दो पद लेते तभी हो, एन बराबर दो लेना है तो दो को पद ले लीजिए, क्वेश्चन में जो दिया है दो को पद, जैसे पाँच दूना दस आठ पाँच चालीस, एक बटा दस एक बटा चालीस जोड़िए, जितना आएगा एन का मान इसी में दो रखने पर आएगा। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, कंसेप्ट और ट्रिक भरा हुआ है, वहाँ से पढ़िए और फाइनल सिलेक्शन लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सब प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बनाया जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स इसमें कह रहा है बच्चों इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, एक्स से स्वतंत्र पद बताइए, एक्स से स्वतंत्र पद बताइए, वैसा पद बताना है जो एक्स से स्वतंत्र हो, एक्स से क्या हो स्वतंत्र हो, एक्स से क्या हो बच्चों स्वतंत्र हो। तो देखिए बच्चों इसका कंसेप्ट क्या होता है, कैसे बनाते हैं जल्द, जैसे एक्स प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर के पावर छ देकर अब पूछे एक्स से स्वतंत्र पद बताइए, कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा बाइनोमियल का द्विपद वाला दो पद दिया हो एक्स से स्वतंत्र पूछे, तो आपको करना क्या है ये छ लिख देना है ऊपर और सी आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिखना है स्वतंत्र पद के लिए। और करना क्या है, और करना क्या है बच्चों, जो छ दिया है ठीक, अब यहां क्या लिखेंगे, यहां तो यहां लिखते हैं इसके पावर और इसके पावर छ, जैसे छ लिख दिए और यहां भी सिक्स लिख दीजिए ठीक। जब भी स्वतंत्र पद पूछे तो जो यहां दिया है यहां भी लिख दीजिए, उसी को यहां भी लिख दीजिए, इसके बाटा में क्या लिखिएगा बच्चों, ये एक है ये ऊपर जाएगा तो माइनस दो है, अरे माइनस दो है और ये एक है तो दोनों जुट जाएगा। अगर क्यों जुटता है देखिए ध्यान से समझना है, यहां कब जुटेगा, अगर एक नीचे है एक ऊपर है तो जुट जाएगा, दोनों ऊपर रहता तो घटा करके लिखते, दोनों जोड़ देंगे तीन, तो तीन से कटेगा दो, तो सिक्स सी टू, तो सिक्स सी टू का मतलब बताए हैं बच्चों कि छः को दो बार लिखो, छः गुणे पाँच अबाटा में दो का मान दो होता है, तो यहाँ से तीन कटेगा ऑप्शन हो जाएगा पंद्रह, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी प्रीवियस बहुत बार आता है और हमेशा आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बनाइए, अगला क्वेश्चन बाइनोमियल का जो प्रीवियस क्वेश्चन है एयरफोर्स ने भी कोस्ट गार्ड एनडीए के लिए वो है जो हमेशा बार बार आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए,
कह रहा है द सम ऑफ ऑल कोफिशियंट इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री टू द पावर 219 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस तीन के पावर 219 के सभी पदों के गुणांकों का योग बताएं। तो देखिए बच्चों, सभी गुणांकों का योग जब बताना हो ना, कोई भी एक्सपेंशन दिया हो, जैसे ए एक्स दिया हो, ए एक्स का मतलब यहाँ दो तीन चार कोई अंक रहेगा, प्लस बी एक्स दिया हो माने बी वाई दिया हो, मान लीजिए यहाँ रहेगा तीन चार कोई अंक, प्लस सी जेड दिया हो, जेड तो रहेगा जेड लेकिन यहाँ अंक रहेगा, आप पावर में कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, मान लीजिए एन दिया हो, अंक कुछ भी दिया हो, कुछ भी अंक दिया हो, तो क्या करते हैं बच्चों कि जब गुणांकों का योग पूछे, सम ऑफ कोफिशियंट, सम ऑफ कोफिशियंट, कोफिशियंट पूछे गुणांकों का योग, तो एक्स का मान एक, वाई का मान एक और जेड का मान एक रख देना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के पावर एन, ये आंसर हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा कोई भी एक्सपेंशन तीन वाला दिया हो या दो वाला दिया हो और कोफिशियंट ऑफ सम पूछे तो एक्स वाई जेड का मान वन रखना है। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस तीन के पावर 19 और कह रहा है सम ऑफ कोफिशियंट बताइए, सम ऑफ क्या बताइए बच्चों, कोफिशियंट बताइए। तो एक्स का मान यहाँ तो वेरिएबल एक ही है, वेरिएबल कितने हैं बच्चों, एक ही है 219 है, पावर क्या है 219 है, तो कोफिशियंट एक्स वेरिएबल एक्स है माने एक्स है, तो एक्स का मान एक रखेंगे, वाई रहता तो वाई का मान भी वन रखते, तो एक रखेंगे, एक का स्क्वायर एक, एक माइनस तीन के पावर 219, अब ये घटेगा तो माइनस एक के पावर 219, माइनस के पावर बीसम रहता है तो माइनस वन होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो अभी कंसेप्ट आप सीखे, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और जो कंसेप्ट बताए स्वतंत्र पद का, वो ध्यान दे करके रिविजन कीजिए, और जो कोफिशियंट का बताए और एक से स्वतंत्र पद का जो ट्रिक बताए, उस पर जितना क्वेश्चन दिया है आर एस अग्रवाल एनडीए ने या लुसेंट कहीं भी बुक से उसको या प्रीवियस बुक से उसको जितना बताए स्वतंत्र पद वाला 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से लगाइए और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, चाहे आप नेवी का एग्जाम दें या एयरफोर्स का। ये क्वेश्चन अक्सर बाइनोमियल के पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चों, बाइनोमियल के अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो कई बार पूछा हुआ है, एक और क्वेश्चन जो अगला आपके सामने है, बनाइए, इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स टू द पावर एन द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर्स ऑफ एक्स इज, एक्स के पावर ऑड पूछता है ना बच्चों। इसमें देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है कि दिया है वन प्लस एक्स के पावर एन दिया है, वन प्लस एक्स के पावर एन दिया है, तो एक्स के पावर ऑड कह रहा है बीसम, ऑड के पावर क्या कह रहा है बीसम, ऑड का मतलब बीसम कह रहा है, तो बीसम वाला एक्स के पावर कौन जाता है जो नीचे रहता है, तो एन सी जीरो करते हैं प्लस एन सी टू करते हैं प्लस एन सी वन करते हैं टू करते हैं डॉट डॉट एन सी एन करते हैं बच्चों, तो दो के पावर एन होता है, ये कंसेप्ट बताया गया है। लेकिन इसमें से बीसम वाला यही एक्स के पावर जाता है तो बीसम वाला कहता है तो एन सी वन हो जाएगा प्लस एन सी थ्री हो जाएगा प्लस एन सी फाइव हो जाएगा डॉट डॉट, तो इसका जो होता है ना बच्चों दो के पावर एन माइनस वन हो जाता है, क्या होता है दो के पावर एन माइनस वन हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा जब बीसम वाला पूछे, या सम वाला भी उतना ही होता है, दोनों मिलकर दो के पावर एन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों डी होगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन लगा दें, जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज लाएं तो आप इससे लर्न करके प्रैक्टिस करके अपना सिलेक्शन फाइनल कर सके। तो आज के लिए इतना ही, भगवान आपकी सिलेक्शन दें, थैंक यू, जय हिंद।